हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर रंगई स्थित हनुमान मंदिर पर तैयारियां शुरू की गई हैं। जन्मोत्सव पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। मंदिर से लेकर बस स्टैंड, सब्जी मंडी तक माइक लगाए गए हैं, जिसमें हनुमान मंदिर में होने वाले भजनों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। श्री स्थान श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रंगई पुल विदिशा। यह स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है और भगवान का यहाँ साक्षात चमत्कार है, क्योंकि यहाँ पर हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की तपस्या स्थली है। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री दिसंबरदास जी रामायण जी महाराज जी की तपस्या का यह क्षेत्र है और दादाजी के चमत्कार है। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो सच्चे मन से जन कल्याण की भावना रखता है उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ति होती है। तो परसों मंगलवार को श्री हनुमत महाजन्मोत्सव है, तो दादाजी के दरबार में हम सभी मित्र मंडली रंगई सेवा समिति यहाँ तैयारी कर रहे हैं और भगवान के यहाँ तन मन धन से सहयोग करके सभी लोग विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं और भगवान की सजावट में बहुत भव्य लायक और एक विशेष प्रकार का नवीन श्रृंगार किया गया है, जिससे लगभग नोटों का जो करंसी का भगवान के दरबार में सभी मित्र मंडली ने सहयोग करके भगवान के यहाँ सजावट करवाई है, जिसमें लगभग 5 से 8 लाख रुपए का खर्च है। उसी नोटों से सजावट की जा रही है, तो भगवान के दरबार में ये एक विशेष प्रकार की सजावट हो रही है और सभी प्रकार से सभी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि पूरा शहर ही नहीं आसपास के गाँव और सभी लोग यहाँ दर्शन के लिए लाइन लगा के कतारबद्ध रहते हैं और विदेशों से भी सभी लोग अधिकतर वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन करते हैं और प्रयास करते हैं स्वयं आने का। तो यहाँ की महिमा बहुत निराली है, बोलिए रंगई धाम की। लगभग कितनी संख्या में यहाँ लोग भक्ति बन मौजूद रहे हैं? लगभग ये समझ लो कि 1 लाख से ऊपर लाखों में दर्शनार्थी हो जाते हैं। कैसे दर्शन होंगे? कतारबद्ध दर्शन होंगे। हमारी सभी समिति के सदस्य प्रयास करेंगे सभी व्यवस्थाओं को संभालने का और सभी को प्रेम पूर्वक दर्शन होंगे। प्रशासन भी लगा रहता है? जी, प्रशासन भी सहयोग करता है। प्रशासन के सहयोग से और समिति के सहयोग से सभी कार्य